नमस्कार दोस्तों दोस्तों कानपुर के अंदर विकास त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को पल्स भवन में एक पीएसएल के निवेशक और एजेंटों की मीटिंग होती है। इस बार सोमवार को जब मीटिंग हो रही थी तो अचानक एक महिला विकास त्रिपाठी जी के पास पहुंची अपनी परेशानी को लेकर के। परेशानी क्या थी कि वो महिला और उसकी ननंद पीएसएल में कार्यकर्ता रह चुकी है और निवेशक उसे परेशान कर रहे थे। निवेशकों ने पुलिस वालों को 100 नंबर पे कॉल करके बुलाया और उनसे घूस दे करके उसके ससुर के साथ मार पिटाई की है और धमकी भी दे कर गए हैं कि हर महीने 5,000 रुपये महीना तुम्हें देना होगा। अब ये गरीब पीएसएल महिला कहाँ से पैसा देगी? निवेशक क्यों नहीं समझ पा रहा है कि पीएसएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। इतने सारे संगठन मिलकर के कार्य कर रहे हैं, क्यों संगठनों का साथ नहीं दे रहे? क्यों एजेंटों को परेशान कर रहे हैं? इतना समझाने के बाद भी पीएसएल निवेशक नहीं समझ पा रहा है। कोई एजेंट पैसा कहाँ से देगा जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला हुआ है? तो एजेंट ने जो गलती की वही पीएसएल निवेशकों ने गलती की, अपनी समझबूझ से कंपनी में पैसा लगाया या किसी के कहने पर लगाया। थोड़ा सा यदि पैसा निवेश करते समय थोड़ा ध्यान रख लिया जाता है तो आज एजेंटों और निवेशकों के बीच में ये मार पिटाई ना होती। तो आइए हम आपको विकास त्रिपाठी जी द्वारा और इस महिला से मिलवाते हैं, देखिए किस तरीके से महिला सारी बात बता रही है। पूरी खबर बताने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यदि आप पीएसएल इंडिया लिमिटेड, सहारा इंडिया परिवार या अन्य चिट फंड कंपनियों की सबसे पहले खबर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और साथ में एक घंटे का निशान भी आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर भी क्लिक कीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारी इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आइए चलते हैं अब खबर की ओर। पार्टी आज हम पल्स भवन हर सोमवार की भांति यहाँ पे बैठक कर रहे थे। एक केस हमारे सामने आया है घाटमपुर थाने के अंतर्गत साढ़ चौकी के क्षेत्र की मामला है। गंभीरपुर गांव में ये महिला रहती हैं। इनके ससुर जी को कुछ निवेशकों ने और पुलिस वालों ने मारपीट की है, जो कि ये यहाँ पे आई हैं। इनको जानकारी मिली कि यहाँ पे हर सोमवार को यहाँ पे बैठक होती है, जिसके कारण हमारे पास इन्होंने पेपर मांगा कि कुछ पेपर दीजिए जिसके हम पुलिस वालों को दिखा सकें और उन निवेशकों को दिखा सकें कि हमारा मामला कौन सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और कब तक हम लोगों का मामला निपटेगा। ये पीएसएल के परिवार के जुड़ी हुई हैं, कार्यकर्ता रही हैं, इनके आनंद भी रहेंगे और नंद और ये होने की वजह से इनके ससुर जी को मारा पुलिस वालों ने और प्लस निवेशकों ने। आप कहाँ से हैं? गंभीरपुर से। बोलो क्या घटना हुई थी? बताइए। 100 नंबर कस्टमरों ने 100 नंबर वालों को फोन करके बुलाया और बुला करके उनसे क्या कहते हैं घूस पात दे करके और उनसे क्या कहते मेरे ससुर को मरवा करके उनसे बोला कि हर मंथ 5,000 रुपए दिया जाए, नहीं तो हम उनकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। इसकी रिपोर्ट है? हाँ रिपोर्ट है घाटमपुर थाने और चौकी कुटसार। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी परेशान करती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, सरकार के किसी नुमाइंदे तक पहुंचे जो पीएसएल के निवेशकों और एजेंटों की बात को समझे और पीएसएल का पैसा दिलवाने में मदद करे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।